मुख्यमंत्री रघुवर दास बोल रहे हैं। चाहे डिजिटल इंडिया, ये चार योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों के समक्ष रखे। अभी एक हमारे जो टाटा मोटर से छोड़कर स्वयं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का जो अनुभव उन्हें शेयर कर रहा था, और उन्होंने बताया कि मोमेंटम ग्लोबल जब सबमिट हुए थे तो उनसे प्रभावित होकर ये काम किया। ग्लोबल सबमिट में हम लोग ने भी देश से बाहर दूसरे देश भी जाने का काम किए थे, अमेरिका भी गए थे, कैलिफोर्निया भी गए थे, और वहां जितने भी आईटी के सेक्टर में सब भारत के लोग, उस भारत के लोग में झारखंड के भी लोग थे, बिहार के भी लोग थे। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर का काम हमारे भारत के नौजवान नवयुवतियां ही दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम ला रहा है, ये मैंने मैं भी वहां महसूस की थी। मैंने काफी लोग को उस समय वहां नौजवान थे, मैंने कहा आप झारखंड आओ और झारखंड में आप अपनी छोटी छोटी कंपनी बनाकर आप यहीं से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा को दुनिया में निखारने का काम करें। मुझे लगता है कि जो हमारे टाटा मोटर्स के जो उस मोमेंटम झारखंड से जरूर प्रभावित होकर एक सॉफ्टवेयर नई कंपनी बनाने का की शुरुआत हुई, और जैसा अभी बताया गया कि उन्हें ऑर्डर भी प्राप्त होने लगे, काफी लोग को ऑर्डर प्राप्त जो अभी बातचीत के दरमियान हमें प्राप्त हुई। कभी भी हिम्मत नहीं हारने का। कोई भी बड़ी चीज आती है, आने के पहले सबसे पहले छोटी चीज आती है। जितने भी शिखर पर पहुंचे हैं कोई भी उद्योगपति या कॉरपोरेट सेक्टर, उसकी शुरुआत छोटी चीज से हुई। इन्फोसिस कोई ले अगर आप बेंगलोर को, तो छोटी चीज से स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता आज पूरी दुनिया में इन्फोसिस की चर्चा। हम टाटा की बात करें, टाटा मोटर की बात करें, क्योंकि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूं, टाटा मोटर्स भी जब स्टार्ट हुआ कपड़ा मिल बेच के जेआई टाटा ने, तो 25,000 की पूंजी से स्टार्ट किया। आज टाटा मोटर्स दुनिया में अपनी एक पहचान। इसलिए छोटी कंपनी अपनी बनाकर, और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया एक नंबर है, और स्टार्टअप के मामले में दुनिया में भारत तीसरा नंबर है, पहला अमेरिका, दूसरा लंदन, तीसरा इंडिया। तो आने वाले समय में हमें दुनिया का एक नंबर स्टार्टअप में बनना, और ये हमारे देश के नौजवान में ये क्षमता है, और इस क्षमता को ही लेकर भारत सरकार का के स्तर पर स्टार्टअप पॉलिसी बनी। हम लोग ने भी कोशिश की कि हमारे देश के अन्य राज्यों से हमारी पॉलिसी अच्छी हो। जिस पॉलिसी की चर्चा हमारे विभागीय सचिव श्री विनय चौबे जी ने आपको बताई, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ अगर नीतियां अच्छी हो और नियत अच्छी हो तो हर सेक्टर में झारखंड में निवेश हो सकता है, और इसी के माध्यम से हमारी नीतियां अच्छी, हमारे नियत भी अच्छे, जिसके कारण काफ़ी आप सभी छोटी छोटी कंपनियां बनाकर विभिन्न सेक्टर में, चाहे वो सेवा का सेक्टर में हो, इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे क्लीनिंग के सेक्टर में हो, या सिविल सोसाइटी को सर्विस सेक्टर में, अपने काफ़ी अच्छी अच्छी आइडिया देकर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएं। बाकी लोग से भी, मैं राज्य के नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी छोटी कंपनियां बनाकर अपने अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को आप दुनिया के में बिखेरने का काम। गांव के अंदर भी हमारी काफ़ी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को स्टार्टअप झारखंड से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आप जितने उपस्थित यहां पर हैं, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि इसको आप और बातचीत के कर्म करके इनको फैलाएं,
और छोटी छोटी कंपनी आप बनाकर सरकार आपके साथ, आपको लगता है कि सरकार को इसमें और थोड़ी पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है, हम तैयार, क्योंकि भारत को दुनिया में एक नंबर में पहुंचना है स्टार्टअप में, अभी 3 नंबर में है हमें मोदी जी के नेतृत्व